ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। ट्रेन में अब खाना खरीदना और आसान रेलवे ने कर दिया है। अब यात्री कैश की जगह अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी खाने का बिल चुका सकेंगे। रेल मंत्रालय का मानना है कि इससे यात्रियों को आसानी होगी, साथ ही ओवरचार्जिंग पर भी लगाम लगेगी। ट्रेन में सफर के दौरान खाना खरीदना और पेमेंट करना अब और भी आसान हो गया है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों को सुविधा देते हुए डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए भी खाने पीने का सामान खरीदने की व्यवस्था कर दी है। अब यात्री कैटरिंग स्टाफ के पास मौजूद पॉइंट ऑफ सेल मशीन यानी POS के जरिए अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे। अब ट्रेनों में खाना सप्लाई करने वाले वेंडर्स के लिए ये जरूरी होगा कि वो POS मशीन से ही बिल दें। भारतीय रेलवे में खान पान यानी कैटरिंग को लेकर अक्सर बड़ी शिकायतें रहती हैं और इन शिकायतों को दूर या फिर कम करने के लिए रेलवे लगातार कई कदम उठा रहा है। ताज़ा कदम में रेलवे ने इस तरीके के POS मशीनों को शामिल किया है। पॉइंट ऑफ सेल, इस POS मशीन का सीधा मतलब ये है कि जब मुसाफिर कोई भी खाना खरीदता है या कोई सामान खरीदेगा तो वो इस मशीन के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकता है। इस POS मशीन के तमाम फायदे गिनाए जा रहे हैं। एक फायदा तो ये है कि अक्सर जो ओवरचार्जिंग की शिकायत रहती है कि जब भी सामान दिया जाता है तो उसकी सही कीमत ना देकर उससे ज़्यादा की कीमत दी जाती है, तो ओवरचार्जिंग की शिकायत को कम किया जा सकेगा। साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी कि कार्ड के जरिए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट किया जा सकता है। तो इन तमाम सहूलियतों के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि मुसाफिर को बेहतर क्वालिटी का खाना मुहैया कराया जाए। साथ ही जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है जिसको लगातार बढ़ावा दे रही सरकार, उसके जरिए ओवरचार्जिंग जैसी समस्याओं से भी पार किया जाए, उसको निजात पाया जाए। कुल मिलाकर के कैटरिंग में जो शिकायतें, जो समस्याएं हैं, उनको धीरे धीरे दूर करने की कोशिश की जा रही है। POS मशीन लगाने के पीछे रेलवे का कहना है कि उन्हें लगातार मुसाफिरों से ओवरचार्जिंग की शिकायतें मिल रही थी, जिसे रोकने के लिए POS बिलिंग मशीनें लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा POS मशीनें यात्रियों और वेंडर्स को छुट्टे की समस्या से भी निजात दिलाएंगी। मुसाफिरों को रेलवे की नई पहल पसंद आ रही है, लेकिन वो बिलिंग आसान करने के साथ साथ खाने की क्वालिटी में और सुधार करने की मांग कर रहे हैं। देखा जाए तो ये तो एक अच्छा कदम है, लेकिन सबसे पहले तो जो फूड की जो क्वालिटी है असली तो उस पे होना चाहिए ना। ये तो एक अच्छा कदम है, लेकिन बहुत सारी चीजें नीड टू इम्प्रूव क्वालिटी में, हर चीज में। बहुत बढ़िया है, ऐसे जैसे ओवर चार्जिंग थे जो ले रहे थे वो सब बंद हो जाएगा इसमें। फिलहाल रेलवे ने दर्जन भर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में करीब 2200 कैटरर्स को POS मशीन उपलब्ध कराई है। रेलवे का कहना है कि आने वाले वक्त में POS मशीन की संख्या और बढ़ाई जाएगी। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली। तमाम ट्रेन में 2000 से ज्यादा POS मशीन यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन को उपयोग में लाया जा रहा है। IRCTC द्वारा कोशिश ये की जा रही है कि कैटरिंग में जो तमाम समस्याएं हैं, पैसे को देने को लेकर के ओवरचार्जिंग जैसी जो तमाम दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए, साथ ही कैटरिंग में यानी कि फूड क्वालिटी में भी वक्त के साथ लगातार सुधार लाया जा सके। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया।